हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं आपके दोस्त यानी कि होस्ट आज एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ चिकन स्टाइल जैकफ्रूट कड़ी। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंजॉय कीजिए, कोई स्किप ना करें। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए आगे की अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों देखिए, जैक फ्रूट सारे काट चुके हैं। एक्चुअली मैंने नहीं कटा, ये मेरे हस्बैंड ने काट कर दिया है। आप शायद वीडियो में देख सकते हो, एक्चुअली बहुत मुश्किल है जैक फ्रूट क्लीन करना, तो आज हस्बैंड ने हेल्प कर दिया। बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो बच चुकी हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये, बहुत ही। तो सबसे पहले ये फ्रेश कर लेती हूँ, फिर कुकर में डालेंगे और उसे दो सीटियां लगाएंगे। कुकर में मैंने बिठा दिया थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक। देके हल्दी इसलिए दिए कि ये काला ना हो जब बॉयल हो जाए। अब उसे ढककर दे देते हैं और उसे दो या तीन सीटियां लगाएंगे। और दोस्तों, साथ में मैंने पोटैटो भी बॉयल कर लिया करी के लिए, तो मैंने तीन से चार सीटियां दिया है। एक बार चेक कर लेती हूँ। तो देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है ये, गरम है थोड़ा, तो मैं इस तरह से दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं सिलबट्टे में गरम मसाला पेस्ट कर रही हूँ, यानी कि दालचीनी और इलायची। देखिए, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है करी में। चिकन स्टाइल जैक फ्रूट सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन, प्याज, ग्रीन चिल्ली और अदरक का पेस्ट ले लिया, गरम मसाला पेस्ट, आलू को बॉयल करके रख दिया, कटा हुआ प्याज, साथ में तीन ग्रीन चिल्ली और यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट ले लिया। जैकफ्रूट सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई बिठा दिया और तेल गरम हो चुके हैं। अब उसमें कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे और साथ में एक तेज पत्ता ऐड करेंगे। मसाला मैंने क्या क्या लिया एक बार शेयर कर लेती हूँ। हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि बॉयल होते वक्त हमने थोड़ा सा नमक दिया। अब से थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब उसमें ग्रीन चिल्ली, गार्लिक पेस्ट और ऑनियन ऐड कर रही हूँ और उसे एक से दो मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। फिर हम टमाटर पेस्ट ऐड करेंगे। अब उसमें टमाटो प्योरी ऐड कर रही हूँ। और साथ में ग्रीन चिल्ली। अब उसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। एक बार उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ दो से तीन मिनट। तो देखिए दोस्तों, मसाला से तेल अलग हो चुके हैं, यानी कि मसाला अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब उसमें बॉयल किया आलू ऐड कर रही हूँ और मसाला के कलर भी कितने सुंदर आए हैं। अब उसमें बॉयल किया जैकफ्रूट ऐड कर रही हूँ।
से धीरे धीरे से हम मिलाएंगे। और लास्ट में हम गरम मसाला पेस्ट ऐड करेंगे। उसे हल्के से मिलाएंगे और सब्जियां ऐड करने के बाद मसालों के साथ करीबन हम 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम में मिक्स करते रहेंगे। फाइनली हमारा चिकन स्टाइल जैकफ्रूट रेसिपी बनके तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले हम गैस को बंद कर देते हैं। और दोस्तों और एक बात है, जो अब जब ये बॉईल करोगे कुकर में, तब पहले 2 सीटियां लगाने के बाद एक बार चेक कर लेना कि बॉईल हुआ या नहीं। अगर बॉईल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो 1 सीटियां और लगा लेना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ज्यादा सीटी देने से जैकफ्रूट ज्यादा बॉईल हो जाते हैं। तो हमने गैस बंद कर दिया, अब गर्मा गर्म सर्व करने के लिए निकाल लेती हूँ। दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।